ओम शांति। 3 नवंबर 2022। अभी पढ़ते प्यारे प्यारे शिव बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना भान क्यों देते हैं? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सदगति को पाते हो, तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो, इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है जिससे सदगति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है। तो सब पाठशाला या पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारी ये गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धियोग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती, उनके चित्र बिगड़ तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्य को श्री कृष्ण का ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं, बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परम पिता परमात्मा तो निराकार है। वो खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। है बहुत सहज, श्री बाबा की याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना, बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की तो बात नहीं है। ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। है ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा समझते नहीं, वो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो, हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंचल ही देते, कोई लोटा भरते। वैष्णव तो होते ही उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो, वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझाते हैं? परमपिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसी को यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? परमपिता परमात्मा की बिगड़ यह बेहद का वर्षा मिल न सके। परमपिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, ये तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज़ है ये कोई को पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो यह कर्मेंद्रिया भी चल न सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पाठ बजाती है। हर एक का पाठ अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस खेल को कोई भी समझ नहीं सकते हैं। हर एक का आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की है, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है।
इन बातों को विशाल बुद्धि ही समझ सकते हैं। वंडर खाना चाहिए, आत्मा बिंदी मिसल, उनमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाता हूँ। हम साक्षी और सारी सृष्टि के पाठधारियों का एक्ट देखते हैं। हम परमपिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष माने आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है, नंबर वन भगत पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सत्युग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाने आते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते हैं इसलिए है कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल दैवी धर्म में जाए। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाप कहते हैं, मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। मनुष्य गुरु कब होता नहीं है। हमेशा देही अभिमानी रहना है। समझो किसी को बच्चा है तो समझना चाहिए यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की बात ही नहीं है। साक्षी हो, खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो, हम 84 जन्म लेते हैं। सत्युग में हम देवी देवता थे। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने ही बहुत गुरु किए थे, परंतु इनको भी कुछ पता नहीं है था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, हम ही आकर सबकी सदगति करते हैं। सभी धर्म वाले भगत भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। परंतु परमात्मा को जानते नहीं है। सिर्फ इतना समझते कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, परंतु वह कहाँ से कैसे आए हम तो जा नहीं सकते। सत्युगी देवता भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने हैं। वह सुख है, वह ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाप को भी याद नहीं करते। कहते हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वह तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है। यह है भूल, भक्ति में मुंझारा बहुत है। दर दर पर धक्का खाना, जब तब तीर्थ आदि करना, सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं, सब बच्चे ड्रामा के वश है। मैं भी भर क्रिएटर डायरेक्टर करान करावान हर हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ नहीं सकता हूँ। कहते हैं, सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण था ना, फिर इनको ही आदि देवी बनाएंगे। इस देलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है। आदि देवी भी है, बच्चे भी है, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह है जड़ चित्र। या तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने हो, तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्युलोक में रहते हैं, देवता अमरलोक में रहते हैं। भारत अमरलोक था, फिर मृत्युलोक हुआ, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा मेला यह है, आत्मा परमात्मा मिलते हैं। अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेंगे, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल आते तो बहुत है। तुम बच्चों को नीचे है, हम यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं, बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बी के कहलाते हैं तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो गए। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक है।
एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर है, ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी हम मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार यह सिमरण करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ, वहाँ दुख होता नहीं है। यह तो पुरानी दुनिया है, यह शरीर भी पुरानी जुत्ती है। घड़ी घड़ी चत्तियाँ लगती रहती है। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वो पुरानी खाल छोड़ दही ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल बिल्कुल जड़ जड़ीभूत तमो प्रदान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रदान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे मामे कम याद करो, इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सत्व प्रदान बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। या तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वह तो अशरीरी है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण आदि को तो कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं, तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूँ, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्मा निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो, बस याद से तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भल करते रहो। साथ साथ यह भी करो, कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक है, हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है, यह अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो बंधन है वह आकर पूछो। बच्चियां तो पति को भू भू कर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती है पवित्र बनने बिगर तो स्वर्ग में जा नहीं सकती। मरना तो सभी को है ही, यह भी समझ की बातें हैं। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह है संगम, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है वह कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ी पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए, पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं ना, तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के ही पास है, और कोई के पास यह इंजेक्शन है नहीं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है, तो उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। बाप और घर को याद करो तो कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो हर एक का पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना माने कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। वरदान, दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव।
सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखूट खजाने मिले हैं वह देने ही है। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी हर एक दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो सेवा मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा सेवा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू।